मैं हूँ फैशन डिज़ाइनर स्टूडेंट। आपको इस वीडियो में स्वीट हार्ट नेकलाइन के बारे में डीप में हम बात करेंगे, जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ नेकलाइन और डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड उसका फाइनल लुक। फाइनल लुक में विद पाइपिंग होगा, जो फ्रंट और बैक में पूरी कवर अप होगी वो पाइपिंग। ओके, और हम जानते हैं स्वीट हार्ट नेकलाइन। स्वीट हार्ट नेकलाइन, स्वीट हार्ट के जो ऊपरी भाग रहता है ना हार्ट का, उसको यूज करके ये नेकलाइन क्रिएट हुई है। और सेकंड है, इसका शादी के दिन में कोई गाउन्स की बात होती है या फिर कोई ड्रेसेस की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में स्वीट हार्ट नेकलाइन ही क्रिएट होती है, क्योंकि वो मोस्ट यूजफुल नेकलाइन है। और सबसे ज़्यादा स्वीट हार्ट नेकलाइन ऐसे वुमन्स पर अच्छी लगती है जिसकी ये नोकीली हो और ये गर्दन थोड़ा लंबा हो और ब्रॉड ब्रेस्ट हो, उसके लिए बेस्ट है स्वीट हार्ट नेकलाइन। अगर कम ब्रेस्ट हो तो उसको भी हम स्वीट हार्ट नेकलाइन से और ब्रॉड भी दिखा सकते हैं, इसलिए दोनों के लिए भी ये बराबर है। कोई गाउन बनाते हैं उसके अंदर स्वीट हार्ट जो नेकलाइन होती है उसके हिसाब से हम चैन या पेंडेंट वो नेक को एकदम बेस्ट लुक देता है। चैन और पेंडेंट इस स्वीट हार्ट नेकलाइन का एक स्टाइलिश टिप्स। टाइप्स ऑफ नेकलाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेकलाइन में स्वीट हार्ट नेकलाइन की डिफरेंट टाइप्स, इसके बारे में हम इसमें जानते हैं। सिंपल स्वीट हार्ट नेकलाइन, सिंपल स्वीट हार्ट नेकलाइन स्ट्रेट होगी। ओके, और सेकंड है स्ट्रैपलेस स्वीट हार्ट नेकलाइन, जिसकी स्ट्रैप्स नहीं होगी, खाली इधर से होगा। ओके, थर्ड है स्वीट हार्ट नेकलाइन कंबाइंड विथ फ्रैकरी, मतलब जो स्वीट हार्ट नेकलाइन है इसके साथ पट्टी लगेगी, उसमें अंदर से हम फ्लावर या 3D फ्लावर इसमें ऐड कर सकते हैं। फोर्थ है वेरी वाइड स्वीट हार्ट नेकलाइन, वेरी वाइड जो इधर से हमारी शोल्डर का पट्टी आएगा और ऐसे वेरी वाइड स्वीट हार्ट नेकलाइन। और फिफ्थ है इल्यूशन स्वीट हार्ट नेकलाइन, जो ऊपर से हमारा नेट होगा और इधर से स्वीट हार्ट होगा, उसे हम बोलते हैं इल्यूशन स्वीट हार्ट नेकलाइन। ओके, फाइव कर्व स्वीट हार्ट नेकलाइन, इधर से भी कर्व रहेगा और इधर से भी कर्व रहेगा, फुल कर्व स्वीट हार्ट नेकलाइन। और कर्व स्वीट हार्ट नेकलाइन जो डाउन में कर्व रहेगा, ऊपर से स्ट्रेट रहेगा। और नाइन का स्प्लिट स्वीट हार्ट नेकलाइन, जो इधर से नेकलाइन तो होता है फिर इधर से कट आता है, उसे बोलते हैं स्प्लिट स्वीट हार्ट नेकलाइन। ये सारे नेकलाइन हम वन बाय वन सीखेंगे, पर फर्स्ट है हमारा सिंपल स्वीट हार्ट नेकलाइन, जिसको हम आज ड्राफ्टिंग करेंगे, शिविंग करेंगे और उसका डिज़ाइन, कटिंग सब इसमें आ जाएगा, फाइनल लुक भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़, आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसको एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा। सिंपल स्वीट हार्ट नेकलाइन, हाउ टू सीव द रेगुलर स्वीट हार्ट नेकलाइन ऑन योर डिज़ाइन। ये सबसे पहले हमने डिज़ाइन की है, फिर उसके बाद हम ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग भी इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट कपड़े में करेंगे। दो कपड़े लेने हैं, एक 12 इंचेस का लेंथ और 10 इंचेस की लेंथ और 12 इंचेस का ऊपर का शोल्डर का हिस्सा, ये हमें लेना। फिर उसके बाद हमें उसे फोल्ड कर उसके ऊपर 3 इंचेस का मार्किंग करनी है, ये होगी हमारी नेक की मार्किंग। फिर उसके नीचे हमें 7 इंचेस का नेक हमें चाहिए, इसलिए 7 इंचेस का मार्क हमें करना है। फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें फिर से 4 इंचेस का मार्किंग करनी है। 4 इंचेस का मार्किंग करने के बाद हमें नीचे से 2 इंचेस का मार्किंग करनी है, फिर हमें ये पॉइंट सब ज्वाइन कर देने हैं, फिर हमें सीजर की मदद से इसे कट कर देना है। करने के बाद इसे नेक को ओपन करना है और कैनवास पेपर पर भी इस नेक को कट करना है। कैनवास पेपर को फोल्ड करके नेक के नीचे हिस्से में रखना है और फिर उसके ऊपर नेक ड्राइंग करनी है। नेक
ड्राइंग करने के बाद एक एक इंचेस का मार्किंग रख कर हमें उसके आउटलाइन में मार्किंग करनी है। आउटलाइन को हमें अपने स्केल की मदद से इसे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद इसे हमें कट कर लेना है कैनवास पेपर को। ये हो गई हमारी सिंपल स्वीट हार्ट नेकलाइन। सिंपल स्वीट हार्ट नेकलाइन ये हो गया हमारा कैनवास, ये हो गया हमारा क्लोथ। इसको हमें गारमेंट कंस्ट्रक्शन के फाइल में अटैच कर सकते हैं और हमारा स्वीट हार्ट नेकलाइन का प्रोजेक्ट हम ऐसे तैयार कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको शिविंग करना। जैसे कि हमें एक रेड कलर की पाइपिंग बनानी है, फिर उस पर कैनवास पेपर और ये क्लॉथ लेना है और कैनवास पेपर की मदद से हमें एक एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। यह फैब्रिक मैंने अलग कलर का लिया है, आप सेम भी ले सकते हो क्योंकि यह फैब्रिक अंदर ही जाएगा, ऊपर हमारा वाइट ही हमारा फैब्रिक रहेगा। इस पर हमें कैनवास पेपर को इस अस्तर के ऊपर रखना है और ये नेकलाइन उसमें भी ड्रॉ कर उसके माप का हमें नेकलाइन का कपड़ा निकाल लेना है। हम जो नेकलाइन की पट्टी बनाते हैं वैसे ही पट्टी बनानी है। फिर उसके बाद हमें फ्रंट नेक पर उसे जॉइंट कर देना है कुछ इस तरह। फिर उसको पलटा के एक बार फिर से हमें स्टिच करनी है अंदर की साइड। फिर उस नेक को पलट देना है, फिर उसके ऊपर पाइपिंग हमें अटैच करनी है अंदर की साइड। पाइपिंग अटैच करने के बाद उसका बैक, उसका दूसरा पीस है उस पर भी हमें ऐसे पट्टी बनानी है अस्तर का भाग में भी हमें अंदर से स्टिच करनी है। फिर उससे पाइपिंग को उसके ऊपर उल्टा रखकर हमें स्टिच करनी है जो आगे और पीछे पाइपिंग हमें नहीं दिखाई दे, उसका फिनिशिंग फुल आए। इसलिए फैशन डिज़ाइनिंग के गारमेंट कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में इस ऐसे प्रकार के सैंपल बनाकर हमें इसको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।